साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि टेलर का प्रिंसिपल क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, और उसमें हमने एक ही चीज सीखा था जो उसका पूरा कंफ्यूजन था कि टेलर ये कहते हैं कि मैनेजर अपने माइंड से कुछ डिसाइड ना करें, अपने पर्सनल कुछ डिसाइड ना करें, वो केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशन को देखकर डिसाइड करें और साइंटिफिक तरीके से उसकी स्टडी करें, रिसर्च करें और फिर डिसाइड करें। टेक्निक उसने कुछ बताया कि साइंटिफिक तरीके से कैसे करें। जैसे पहला था फंक्शनल फॉर्मेंसिप, फंक्शनल फॉर्मेंसिप मतलब उसने क्या कहा था कि दो डिपार्टमेंट में बांट दो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को दो डिपार्टमेंट में बांट दो, एक प्रोडक्शन और एक प्लानिंग। प्लानिंग मतलब जहां प्लान बनाए जाते हैं और प्रोडक्शन जहां उस प्लान को अचीव किया जाता है। प्रोडक्शन एंड प्लानिंग हो जहां पर प्लान बनाए जाते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहां इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। प्रोडक्शन हमारा पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन कैसा है। अगर प्रोडक्शन अच्छा होगा, ज्यादा होगा प्रॉफिट ज्यादा, तो प्रोडक्शन कम हुआ गलत क्वालिटी की प्रोडक्शन है प्रॉफिट। टेलर्स कहते हैं कि चार फोरमैन यहां रखो प्रोडक्शन में और चार फोरमैन प्लानिंग में। फोरमैन का मतलब क्या होता है कि वो नजर रखता है और वो उन सबको डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है वर्कर्स को। वो ये बताता है कि काम को ऐसे नहीं ऐसे करो, हाउ टू डू द वर्क। तो चार फोरमैन होने चाहिए प्रोडक्शन में, चार फोरमैन होने चाहिए प्लानिंग में, और टोटल कितने हो गए 8 फोरमैन। तो एक पहली टेक्निक तो ये हो गई। दूसरी टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। वर्क का एक स्टैंडर्ड तय कर दो, इतना काम होना चाहिए ये स्टैंडर्ड वर्क, और इतनी सिंप्लीफाई कर दो। ये सारे तरीके हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया कि 100 पीस पर डे इज स्टैंडर्ड, मतलब एक दिन में 100 पीस स्टैंडर्ड, लेकिन अपने मन से नहीं, साइंटिफिक रिसर्च। वर्क स्टडी टोटल प्रोडक्शन से जुड़ा है। वर्क स्टडी में चार बातें बताई गई, फैटिक स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी। इसमें क्या है, पहले में फैटिक स्टडी में रेस्ट, इसको सिंपल भाषा में हम रेस्ट कह सकते हैं। एक वर्कर कितनी बार रेस्ट कर रहा है, कितने समय बाद ब्रेक ले रहा है, कितने प्रोडक्शन करने के बाद वो ब्रेक ले रहा है, ब्रेक का ड्यूरेशन क्या है, रेस्ट कितने टाइम तक करता है, ये है। एक दिन में कितनी बार रेस्ट कर रहा है, इसे कहते हैं फैटिक स्टडी। मेथड स्टडी, किस मेथड से काम कर रहा है, काम करने का मेथड क्या है, कौन सा तरीका अपना रहा है। टाइम स्टडी, प्रोडक्शन में कितना समय लगा रहा है। और मोशन स्टडी, वो हिलजुल कितनी बार लगा रहा है। मोशन स्टडी मतलब एक वर्कर है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई मशीन पे बैठा है तो मशीन से उठ रहा है, कहीं और जा रहा है, फिर वहां से फिर सामान लेके आ रहा है, ठीक है। ये सब बातें जो है उसे कहते हैं हम मोशन स्टडी। ये सब अगर हम रिसर्च करें तो ये स्टैंडर्ड हम फिक्स कर सकते हैं। जो सेकेंड पॉइंट, स्टैंडर्ड कैसे फिक्स करेंगे, जैसे हमने एक बार स्टडी की कि एक वर्कर है जो दिन में चार बार ब्रेक ले रहा है, कभी टॉयलेट जाने के नाम पे, कभी चाय पीने के नाम पे, कभी लंच करने के नाम पे, चार बार रेस्ट कर रहा है, और प्रत्येक रेस्ट का ड्यूरेशन मान लो कि हाफ आवर है। फिर मेथड स्टडी, कौन से मेथड से काम कर रहा है ये हम देख लें। टाइम स्टडी, कितने समय में वो प्रोडक्शन कर रहा है, मान लो कि वो 8 घंटे में से 5 घंटे तो प्रोडक्शन में लगाता है। अब इस 5 घंटे में मोशन स्टडी को चेक करो, वो बंदा उठ रहा है, कहीं और जा रहा है, सामान लाने के लिए झुक रहा है, फिर उठ रहा है, अब झुकने से लेके उठने तक में उसकी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है और टाइम भी लगा रहा है, 1 मिनट लगाए, आधा मिनट लगाए, 1 सेकंड लगाए, फिर वहां से सामान लेके मशीन तक जा रहा है। तो स्टडी आपको ये कहता है, ये सारी स्टडी करने के बाद, कि ऐसा करें जिसका टेबल और जो रॉ मटेरियल है उसके नजदीक रख दो, ताकि उसके हिलने डुलने का जो समय है
अनप्रोडक्टिव जो हो रहा है उसे प्रोडक्शन में चेंज करेंगे, वो ज्यादा इलेगल खुलेगा नहीं, वहीं बैठे बैठे जल्दी जल्दी काम करेंगे। टाइम स्टडी एक चीज को एक प्रोडक्शन करने के लिए एक दिन का पूरा टाइम ले ले रहा है, और उसमें स्टैंडर्ड लाए, उसको एफिशिएंट बनाए, उसको ट्रेनिंग दे ताकि वो कम समय ले। रेस्ट लेने का टाइम लंच देख रहे हैं एक एक घंटे कर रहा है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि भाई लंच में एक घंटा क्यों लगा रहा है, हो सकता है लंच खा के सो रहा हो, तो उसके टाइम को हम कम करें। ये सारी रिसर्च करने के बाद हम ये जो सेकेंड पॉइंट है स्टैंडर्ड हम ला सकते, इससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो। और क्या है डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम? डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम ये कहता है कि जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं ना वैसा वेजेस, अगर प्रोडक्शन सही है वेजेस सही, प्रोडक्शन गलत वेजेस नहीं। अगर आप काम करोगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करोगे तो उसका पैसा नहीं मिलेगा, जितना प्रोडक्शन उतना पैसा। अगर आपने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन किया जब तो इतना पैसा मिलेगा, कोई भी अमाउंट 100 रुपए 200 रुपए 1000 रुपए जो भी तय कर। अगर आपने स्टैंडर्ड से ज्यादा किया तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन किया आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको बोनस मिल जाएगा। इससे क्या होगा एफिशिएंसी आएगी, वर्करों में कंपटीशन होगा, और कंपटीशन में वो अधिक से अधिक प्रोडक्शन करेगा। खैर इसका एक ड्रॉबैक्स भी हो सकता है कि वो कंपटीशन के नाम पर फिर गलत प्रोडक्शन करे, कम क्वालिटी की प्रोडक्शन करे, तो उसके भी हम सुधार सकते हैं। और बाकी ये काम करके बाकी टेक्निक लगा के मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब होता है दिमाग को दुरुस्त रखना, मतलब रेस्ट करते रहे वर्क। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है दिमाग को फ्रेश रखना, बीच में छुट्टी दे देना। जैसे बहुत सी कंपनियां होती है, जैसे मारुति है, मारुति साल में 2 बार छुट्टियां देती है, 2 बार छुट्टी देती है, वो क्या करती है इन छुट्टियों में कुछ अलग वर्कर को रखती है जो मशीनों का वो मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस के काम में रखते हैं। जब तक मशीनों का मेंटेनेंस होता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तब कभी 1-1 महीने की छुट्टी दे देती है, चाहिए घूमिए और घूम करके माइंड को फ्रेश करते हैं। तो ये सारे साइंटिफिक टेक्निक है टेलर के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक, कुछ ऐसे भी टेक्निक्स हैं जो आज के दौर में लगाए जाते हैं नाउडेज, वो है ऑपरेशन रिसर्च, काम करने का तरीका, ऑपरेशन का मतलब होता है काम करने का तरीका, लीन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रहा है, केजन, ये एक जैपनीज वर्ड है, सिक्स सिग्मा प्रोडक्शन का लेयर्स बताता है, एंड जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, कितनी मैन्युफैक्चरिंग आप कितने समय पे कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसे टेक्निक दिए हुए हैं जो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक, एग्जाम के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक। अगर आएगा भी तो सिर्फ आपने ये सिर्फ नाम लिख दिया कि मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पॉइंट जो है आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, फेयॉल के प्रिंसिपल, टेलर के प्रिंसिपल एंड टेलर के टेक्निक्स, इसको एक्सप्लेन करना होगा। प्लानिंग क्या होती है, यूनिटी क्या होती है, ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट। चैप्टर खत्म।